हे गाइस, वेलकम बैक योर जी के इलेक्ट्रिकल चैनल, और स्वागत है आपको अपने चैनल जी के इलेक्ट्रिकल्स में। तो आज मैं ले आऊँ, एक दिखा दूँ तो, एक सरकारी माल है पुलिस वालों का, या एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तीन जगह इसका इस्तेमाल होता था। तो अभी मैं लाया हूँ इसको पुराना, मतलब काफ़ी टाइम से रखा था पर मैंने इसको पुराना लिया। तो ये क्या, ये चल रहा था बट चलते चलते क्या हुआ, मैंने इसको काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं किया, तो ये अब कोई इसमें साउंड नहीं आ रही और एक बीप की साउंड आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको रिपेयर करेंगे। तो उसको रिपेयर करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करो। तो इस तरह के सेट को रिपेयर करने से पहले, सेट को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपेयर करूंगा, लेकिन इस तरह के सेट को रिपेयर करने से पहले कुछ इन सेटों की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी तो यही है। तो ये तो माइक का, इसका माइक का सेक्शन है, और ये इसका ड्राइवर बोर्ड है। और ड्राइवर बोर्ड, कोई भी ड्राइवर बोर्ड आप कैसे पहचान सकते हो, ड्राइवर बोर्ड पे हमेशा बेस 1, बेस 2, कलेक्टर वगैरह लिखा होगा, जैसे कि इस पे भी लिखा हुआ है। और इस तरह के ट्रांजिस्टर ड्राइवर के पास ज़रूर होते हैं, 2 पेयर के हिसाब से, और ये फ्रिक्वेंसी के लिए वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले मेन बात आती है ट्रांजिस्टर पर। अगर इस तरह का आपके पास सेट है और वो नहीं चल रहा, तो सबसे पहले हमें उसके ट्रांजिस्टर चेक करने आने चाहिए। तो कुछ मेरे पास ट्रांजिस्टर हैं जो कि पुराने हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम इसके जो ट्रांजिस्टर हैं, इसमें बेस, कलेक्टर और एमीटर कैसे पहचाने। तो सबसे पहली बात तो ये, तो कैमरा कर लेता हूँ मैं अपना स्टेबल, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो मैं, आज की वीडियो इसी के ऊपर रहेगी कि किसी भी ट्रांजिस्टर के जो कि 30, 55 या 37, 73 जो है, अगर आपका 30, 55 ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है, तो आप इसकी जगह 37, 73 भी लगा सकते हैं। दोनों सेम काम करते हैं, बट वो उसका थोड़ा अपग्रेड वर्जन है 30, 55 का, जो कि 37, 73, और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो ये ट्रांजिस्टर मैंने हटा लिया है, और अभी मैं दिखा दूँ तो ये 30, 55 है, इसका थोड़ा साफ़ नहीं है, ये वाला साफ है। तो इसको मैं थोड़ा रगड़ लेता हूँ, तो रगड़ने के बाद इसका प्रिंट भी जो कि उखड़ रहा है, तो प्रिंट वाला ले लेता हूँ मैं कोई, जिससे प्रिंट हो। तो अब हम इसको पता कैसे करेंगे कि इसमें बेस, कलेक्टर और एमीटर कहाँ है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहो अंत तक। ये जो दोनों इसकी लेग है ना, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो जब सेंटर में नहीं है तो डाउन वाले की तरफ से आपको लेना है। मैं इसके 2-3 तरीके बताऊंगा कि बेस, एमिटर, कलेक्टर कैसे, किसी भी ट्रांजिस्टर का कैसे पता करें। अगर जब तक आपको बेस, एमिटर, कलेक्टर का पता नहीं होगा, तो आप इस तरह के एम्पलीफायर सेट को रिपेयर नहीं कर सकते। तो जैसे कि दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, इस तरीके से देखो तो इधर डाउन है, उधर ज़्यादा है। तो डाउन की तरफ से जो इधर वाली लेग होती है ना दोस्तों, वो बेस होती है, इधर वाली एमिटर होती है, और ये पूरी बॉडी इसकी कलेक्टर होती है। एक तरीका और बता दूँ मैं इसको पहचानने का, इसको जो ट्रांजिस्टर है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे। इधर लिखा हुआ है, आपको साफ नहीं दिख रहा हो क्योंकि इस पर रस्टिंग आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, बट मेरे को दिख रहा है 2N 30 55 लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो जिधर 55 लिखा होता है ना दोस्तों, वो इसका बेस होता है और इधर वाला कलेक्टर होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, नीचे वाले की तरफ से इस साइड का बेस होता है और इस साइड का कलेक्टर। अब ये ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं है, इसको पता कैसे करें। तो सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे, और एक प्रोब लगाएंगे इसकी बॉडी पे, और दोनों पे लगा के चेक करेंगे। दोनों पे सिर्फ रीडिंग आनी चाहिए, इस पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, फिर भी ये सही है। अगर इन दोनों लेग पर लगाने से बीप की साउंड आती है, तो हमारा जो ये है ट्रांजिस्टर, समझ लो कि ख़राब है, इसको फेंक देना ही अच्छा होगा। अब क्या करना है, दूसरा तरीका ये है, हमेशा बेस, जो मैंने बताया कि बेस किधर होता है, उस तरीके के हिसाब से हमेशा जो बेस पे ना रेड प्रोब होनी चाहिए हमारी, पॉजिटिव वाली, और एमीटर पे नेगेटिव होनी चाहिए प्रोब। तो बेस पे ये लगाएंगे और एमीटर पे लगाएंगे, तो ये देखो कुछ रीडिंग आ रही है। तो रीडिंग आनी चाहिए, शॉर्टिंग नहीं चाहिए, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल सही है। अब कर लेते हैं सेट की बात। तो ये तरीका तो मैंने बता दिया किसी भी ट्रांजिस्टर की बेस, कलेक्टर, एमिटर कैसे डिफाइंड करें। एक बार और बता दूं,
जो हिस्सा नीचे वाला है उसकी तरफ से उल्ट सीधे हाथ का जो लेग होती है वो बेस होती है, दूसरा एमिटर बॉडी हमारी कलेक्टर होती है। अब कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद ऐसे ही करेंगे, जो इसकी कलेक्टर है और बेस एमिटर। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ भी है, आपको दिख रहा होगा, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा दूँ, इस पे लिखा हुआ है ये बेस टू हो गया, ये कलेक्टर टू हो गया, कलेक्टर वन बेस वन। तो ऑरेंज वाली वायर इस पे ऑलरेडी जिधर कम है, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया जिधर 55 लिखा हुआ है उधर की तरफ ही होगा। तो जैसे मैंने इस ट्रांजिस्टर के साथ बताया बिल्कुल सेम वही चीज़ इसके साथ अप्लाई है, नीचे वाले की तरफ जिधर 55 लिखा है उधर वही इसका बेस है। तो एक कलेक्ट बेस पे रखेंगे, ओ कलेक्टर पे रखेंगे और मल्टीमीटर को सेट करेंगे बीप पे, कंटिन्यूटी मोड पर, ये देखें 400 कुछ, बस इसकी थोड़ी सी रीडिंग कम आनी चाहिए, देखो 441 42 पे स्टेबल हो गया और ये 452, तो इतना ही का ही डिफरेंस होना चाहिए, तो हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। और अलग अलग मल्टीमीटर में दोस्तों अलग अलग रीडिंग भी आ सकती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने का फ़र्क होता ही है। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रांजिस्टर के सही है या ख़राब वो चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी रिपेयरिंग की, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।